तो क्या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं है? हम आजकल बहुत सुनते हैं कि किस्मत यू टर्न ले लेगी और आई कैन चेंज माई डेस्टिनी, इट्स ऑल इन माई हैंड्स, यू नो, वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ ही सिर्फ काम करती है, जी मतलब अगर वो सुप्रीम है, रेमेडी अगर सुप्रीम है कि वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, तो एक जो कन्विक्टेड क्रिमिनल है वो लॉयर नहीं हायर करेगा, वो एस्ट्रोलॉजर हायर करेगा। राइट राइट राइट। पर वो क्या करेगा, एक लॉजिकल तो वो लिस्ट ऑफ रेमेडीज ले लेगा कि भाई आप ये पानी में बहा दो, ये उसमें बहा दो, और आई थिंक वो चीप भी है उसके लिए। That's interesting. तो हम बेसिकली इन सब चीज़ों में कर्म कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। जबकि आप कोई भी जो हमारी होली बुक्स हैं, होली रिलीजियस बुक्स हैं, वो सारी कर्म कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये कर्म प्रधान है। इवन मैंने हेल्थ इश्यूज में भी देखा है, लोगों को एक सारी उम्र एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं और फिर कहते हैं यार सर्जरी हमारी बच जाए, कोई उपाय बता दो। तो उपाय सिर्फ एक ही है कि कर्म सही कर लो तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आए। तो कर्म सही मतलब सर, सही मतलब अपनी पर्सनालिटी के अनुकूल। अब हर कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, तो आप में जिस तरह की एनर्जी है आप उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। और अगर सेल्फ अवेयरनेस और फ्यूचर अवेयरनेस को अडेप्ट करके कर्म किए जाएं तो कोई भी उपाय की जरूरत नहीं है। तो आपके क्या एक्सपीरियंस हैं ड्यूरिंग कंसल्टेशन, लोग किस किस तरह के उपाय करते हैं? बहुत आयरॉनिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं सर। कुछ लोग काफ़ी कुछ पानी में बहा देते हैं, खाने पीने की चीज़ें, कुछ बहुत सारे पैसे खर्च देते हैं कि ये पूजा करा ले, ये करा ले। बट एक कॉमन जो इनमें फैक्टर जो होता है ना, वो होता है डर। क्योंकि एक बार जब डर आ जाता है तो आदमी ना लॉजिक्स जो है वो भूल जाता है, लॉजिकल नहीं सोचता। और इवन एक होप भी एक कारण है। मैं मतलब अगर समझाऊँ इसे कि आप किसी को ये बोल दो कि आप ये फला फला उपाय कर दो, रेमेडी कर दो, तो आप करोड़पति हो जाओगे, तो आपका फोकस रहेगा करोड़ों पे। आपका फोकस वहाँ नहीं रहेगा कि आप कर क्या रहे हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ी होप दे दी। तो डर और होप ये जो है एक कॉमन फैक्टर है। बट सच्चाई यही है कि जो भी इंसान है, जैसा मैंने बोला, अगर खुद के करीब हो जाए, खुद को समझ ले, पर्सनालिटी को समझ ले और फ्यूचर के लिए अवेयर हो जाए, तो वो ये सब चीज़ें नहीं करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा एक और सवाल है वास्तु के बारे में। ये वास्तु क्या मायने रखती है लाइफ में? देखिए सर, वास्तु इट वाज अ फॉर्म ऑफ एंशियंट आर्किटेक्चर। ओके। तो अब ये तो एक आर्किटेक्चर का फॉर्म है, लेकिन एक बहुत बेसिक सी बात वास्तु से जुड़ी हुई है जो सबको समझ आती है कि सनराइज ईस्ट से होता है, सनसेट वेस्ट में होता है। वेस्ट में। तो अब जो सनराइज होता है, जैसे ही सूर्य उगता है, इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ, इट इज़ अ सिंबल ऑफ न्यू बिगिनिंग। करेक्ट। कि भाई नई शुरुआत हुई है। और अब देखा जाए तो सूर्य उदय से जो जर्म्स होते हैं, एक मच्छर होते हैं, सब कुछ एक ख़त्म से हो जाते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है। सिमिलरली एयर फ्लो का भी पैटर्न है। करेक्ट। अलग अलग वो डेमोग्राफी बेस्ड है। तो एयर का जो पैटर्न है वो भी एक अगर हम लॉजिकली सोचें तो घर के अंदर हवा होनी चाहिए। right. तूफान नहीं होना चाहिए, हवा होनी चाहिए, एक पुरवाई होनी चाहिए। तो सर ये जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सनराइज का और जो मैंने हवा का, एयर का आपको बताया, वास्तु बस इतनी है। अब इसके ऊपर जो है वास्तु वो मैनिपुलेट भी कर दी गई है कि भाई बेड इधर रखो, स्टडी टेबल इधर रखो, अलमारी इधर रखो, बाथरूम इधर बनाओ। और एक बहुत एक फ़नी कॉन्सेप्ट भी है, वो बोलते हैं कि आपका जो ड्राइंग रूम है जहाँ आपके गेस्ट आते हैं, वो एक स्टेप डाउन होना चाहिए, ताकि जो आपका गेस्ट है वो आपसे हमेशा कमतर ही रहे। और दूसरी ओर हम कहते हैं ना अतिथि देवो भव। हाँ, तो मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन। तो वास्तु जो है वो सिर्फ एक बैलेंस ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ओके ओके, ये बैलेंस ऑफ एनर्जी, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे। देखिए सर, घर के एनवायरनमेंट में 3 एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाता है, एयर, वाटर और लाइट। तो ये तीनों का बैलेंस कैसे होगा? मतलब लाइट हो पर उतनी ना हो कि बिल्कुल गर्मी हो जाए, राइट। उतनी हो कि जिससे सीलन ना रहे, जर्म्स खत्म हो जाएं, राइट। और सिमिलरली हवा भी उतनी हो कि जितनी एक सांस लेने में मतलब घुटन ना हो, करेक्ट। तो इससे ऊपर जो डायरेक्शन वगैरह है वो इतना मैटर नहीं करती। तो इन तीनों का बैलेंस, इसको बैलेंस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। मतलब आपकी बात से मैं यही समझा कि इंसान की खुद की डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि घर या ऑफिस की। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आपने सर। क्योंकि अगर किसी को अपनी कहते हैं ना जीवन दिशा पता हो, अपना पर्पस पता है, अपनी दिशा पता है, अपनी मानसिकता पता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ पता है, और ये पता है कि किस समय कहाँ जाना है, किस समय थमना है, किस समय दौड़ना है, किस समय चलना है, ये सब चीज़ें अगर पता हैं तो फिर नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, कोई डायरेक्शन हो, इट डजेंट मैटर। आई सी। देखिए, अभी तक हमारी जितनी बात हुई है उससे आपका नज़रिया टुवर्ड्स अकल्ट साइंस बहुत क्लैरिटी से समझ आ गया, पर एक आम आदमी Predict2Plan से क्या एक्सपेक्ट करे और उसे किस नज़रिए से देखे? सर देखिए, कोई भी आम, खास, गरीब, अमीर, कोई भी आदमी हो, वो अपने दिमाग में जाने जाने एक प्लान ज़रूर रखता है कि भाई मान लो किसी ने स्कूल या कॉलेज में जाना है तो दिमाग में एक प्लान होता है, किसी ने ऑफिस जाना है दिमाग में एक प्लान होता है, अब किसी ने कहीं भी नहीं जाना, घर पे रहना, तब भी एक प्लान होता है। और तो जाने अनजाने एक दिमाग में सबके एक प्लान तो होता ही है। शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, दिमाग में रहता है सबके। अब रिसेंट एग्जांपल मैं अगर लूँ जीपीएस का, जीपीएस टेक्नोलॉजी का, अब उसने वो क्या किया है कि आपके रूट को, आपके रास्ते को प्रेडिक्टिव बना दिया है कि भाई अगर आपको इस पॉइंट से उस डेस्टिनेशन पे जाना है, ओके, तो आपको वहाँ से निकलने से पहले पता होगा कि मैं यहाँ पे इस रूट को ले के, शॉर्टेस्ट रूट को ले के, जहाँ ट्रैफिक नहीं है, मैं 1 घंटे में, 1.25 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो उससे क्या होता है कि आपके माइंड में एक सुकून होता है कि भाई मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, कुछ अनसर्टेनिटी नहीं रहती। सही बात। और इवन अगर आप जब गाड़ी चलाते हैं अपनी और सामने आपको रूट दिख रहा होता है और ट्रैफिक कंजेशन पे आप रुक के उपाय नहीं करते, आप रुक के पूजा नहीं करते, आप कोई रेमेडी नहीं करते, आप अपनी गाड़ी चलाते रहते हो। तो Predict2Plan भी एक प्रेडिक्टिव टूल है, एक लाइफ मैप है, क्योंकि लाइफ भी एक जर्नी है। अगर उस जर्नी में आपको पता हो कि भाई मेरे को इस साल ये करना है, इस महीने ये करना है, इसे ये करना है, उससे जो है एक माइंड में सर्टेनिटी, एक सुकून आ जाता है और आप लाइफ को अच्छे से प्लान कर सकते हो, अच्छे से अपनी जर्नी निकाल सकते हो। तो बेसिकली इट गिव्स यू डायरेक्शन, प्रेडिक्शन एंड एग्जैक्ट टाइम विद डेट्स कि आप डेस्टिनेशन पे कब पहुँचोगे। लेकिन गाड़ी आपको ही चलानी है और अपना टाइम उपायों में या रेमेडीज़ में वेस्ट नहीं करना। सो दिस इज़ आई थिंक Predict2Plan का एक जो ये बिल्कुल सरल तरीका है ना, वो यही। हाँ, यही है। वाह वाह वाह। देखिए, टू बी फ्रैंक, आई थिंक इससे सरल और बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। और अगर वाकई में लाइफ अगर इतनी प्रेडिक्टिव हो सकती है तो फिर सोचने लायक बात है कि हमारा डर, एक्साइटमेंट, अननेसेसरी एफर्ट्स, वेस्ट ऑफ एनर्जी, योर डिससेटिस्फैक्शन बहुत हद तक कम हो सकती है। बिल्कुल सर, इवेंचुअली आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे। आपके अंदर जो अनप्रोडक्टिव थॉट्स होती हैं, एक नेगेटिव थॉट्स होती हैं, या चिंता होती है, या एक्साइटमेंट होती है, वो ख़त्म हो जाएगी और आप जो भी काम करेंगे पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे। और इवन इन केसेस की जहाँ पे आप एक गाड़ी चला रहे हैं, गलत दिशा में चला रहे हैं, गलत राह में, सो Predict2Plan गाइड कर देते हैं कि दिस इज़ नॉट योर जर्नी, बट आपकी जर्नी ये है, आप अपनी गाड़ी इस ठीक रास्ते पे चलाएं। इंटरेस्टिंग, थैंक यू। तो ये जो Predict2Plan और बाकी सब जो एस्ट्रोलॉजी सिस्टम्स एंड थियोरीज एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ऐसी क्या बात है? देखिए सर, जो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी है या एक जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी काफ़ी प्रचलित है, वो शुरुआत करती है प्लैनेट्स से। मतलब आपके अगर प्लैनेट अच्छे हो गए तो आप हिट हो गए, और ख़राब हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप यूज़लेस हो ऐसा सा बताती है। लेकिन Predict2Plan, जैसा कि मैंने बताया, वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी टाइप को असेस करती है। अच्छा, मतलब वही जैसे जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, और उसके बाद जो प्लैनेट्स की रीडिंग देती है वो एक सेकेंडरी, उसका जो है उसका एक सेकेंडरी महत्व है, उसका प्राइमरी महत्व नहीं है। और जो इवन प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन दी जाती है वो मिनिमम 80 to 85% सही होती है। ओह, ऐसे। तो Predict2Plan में अच्छा बुरा, जब हम प्लैनेट पे आते हैं तो Predict2Plan में अच्छा बुरा उच्च नीच जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो देखिए, हम थोड़ा उत्सुक हो जाते हैं ये Predict2Plan के थर्ड लेवल को लेकर। तो ये जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस आप कह रहे हैं, तो आपके का कहने का मतलब यह है कि ये कुंडली, हॉरोस्कोप वगैरह, उनसे आपका ताल्लुक़ है? नहीं सर। अब एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जो कुंडली होती है जी, हम कुंडली बोलते हैं, कुछ लोग नेटल चार्ट बोलते हैं, नेटल चार्ट, राइट। कुछ लोग लग्न कुंडली बोलते हैं, और तरह तरह की कुंडलियाँ होती हैं, तरह तरह के नाम होते हैं, बट चीज़ एक होती है। अगर उसको कोई ध्यान से देखे तो वो 1 से 1.5 घंटे तक सेम रहती है। ओ, मतलब कहने का मतलब है, अगर आप अपनी कुंडली या हॉरोस्कोप पढ़ रहे हो तो आप अपना नहीं पढ़ रहे, आप अपने साथ पैदा हुए 1 से 1.5 घंटे जो लोग हैं उनका पढ़ रहे हो। इसीलिए जो पूरी एनालिसिस है, जो प्रेडिक्शन है या ओवरऑल एनालिसिस है, वो एक जनरल एनालिसिस हो जाती है। जबकि Predict2Plan ऑफ कोर्स उसको बेस मानता है फॉर कैलकुलेशन, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है उसके लिए वी गो बियॉन्ड दैट हॉरोस्कोप, बियॉन्ड दैट कुंडली, जिसका जो फ़र्क है वो 1-2 मिनट 3 मिनट पैदा हुए लोगों में भी आ जाएगा। वैसे वैसे भाई, ये बात तो काफ़ी शॉकिंग है कि कुंडली और हॉरोस्कोप 1 या 1.5 घंटे तक सेम रहते हैं, जो आई एम श्योर लोगों को सुनकर भी अजीब सा लगेगा। तो अगर कुंडली और हॉरोस्कोप सेम रहते हैं, तो ये जो हम सनसाइंस और रोज़ सुबह न्यूज़पेपर्स वगैरह में अपना ज़ोडियाक देखते हैं, उसकी क्या एक्यूरेसी है? सर, वो तो एक फन एक्टिविटी है। फन एक्टिविटी, हाँ, क्योंकि आप देखिए, आप सोचिए कि हमारे 12 ज़ोडियाक हैं और वर्ल्ड पॉपुलेशन कितने 100 करोड़ आज की डेट में हो चुकी है। तो आप उसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे, सो इट मीन्स कि आप कितने करोड़ों लोगों की प्रेडिक्शन वो वही है जो उस एक ज़ोडियाक में फॉल कर रहे हैं। तो वो एक जनरल चीज़ है। सिमिलरली कुंडली भी एक जनरल चीज़ है कि जो मैंने बोला 1 से 1.5 घंटा के बीच में पैदा हुए हैं। तो ये सब जनरल बातें होती हैं, इसकी एफिकेसी या इसका एक्यूरेसी सही नहीं हो पाती। ओके, तो आपकी जो ये 4 स्टेप प्रोसेस है, आई मीन P2P, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो कि इसका लाभ उठा सकता है? एज ग्रुप सर, ऐसा कोई पर्टिकुलर मैं कहूँ कि इस एज ग्रुप को फ़ायदा है, इसको नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हर एज ग्रुप में ना चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। अब अगर हम शुरुआत करें एक स्टूडेंट लाइफ से, एक स्टूडेंट शुरू से ही और अभी भी एक प्रेशर में तो रहता है पेरेंट्स के, टीचर्स के, अपने पीयर ग्रुप के कि भाई नंबर लाने हैं और आगे सब्जेक्ट्स लेने हैं, करियर कैसे बनेगा, ये सब प्रेशर होते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में। तो सबसे पहली चीज़ कि उस एज ग्रुप में जो बिलो 20 है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्रेडिक्ट2प्लान कि एक तो सेल्फ अवेयरनेस, आपकी पर्सनालिटी से आपको अवेयर कराता है कि भाई ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो यू शुड नाउ बिल्ड योर करियर टुवर्ड्स दैट, ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो अच्छी हो जाए। और फ्यूचर मैप तो लाइक आई सेड, वो तो प्रेडिक्ट2प्लान में फाइनल एक प्लानिंग बनती है, प्लानिंग तो होती है। दूसरा फिर जब एक नेक्स्ट लेवल आता है, जब आप अर्ली 20s में हो, तो कोई भी अर्ली 20s में होता है, एक कॉर्पोरेट करियर शुरू करता है, अर्ली 20s मिड 20s नॉर्मली इसमें हो जाता है। तो कॉर्पोरेट करियर जब शुरू होता है, एक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में धकेल दिए जाते हो। वहाँ पे क्या होता है कि सबने नहीं, एक जैसे पर्टिकुलर ग्रुप है वो सेम पढ़ाई करके आया है, सेम नंबर लेके आया है और एक ही जगह पे काम कर रहा है। अब वहाँ पे कंपटीशन और ज़बरदस्त हो जाता है और कट थ्रोट हो जाता है। तो वहाँ पे प्रेडिक्ट2प्लान का जो पर्सनालिटी एनालिसिस जो हमारा एक स्टेप है, उसमें उसके थ्रू अगर हम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बता दें, और जो हम बताते हैं अमूमन, वो जो एक कंट्रीब्यूशन है उस एज ग्रुप को, ये बहुत बढ़िया है कि भाई ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। इवन तो मेरा जो कोलीग है वो भी सेम इंस्टीट्यूट से है, सेम पढ़ाई करके आया, लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं यही मुझे आगे लेके जाएंगे। दैट विल हेल्प मी टू विन ओवर माय कोलीग या माय पीयर या जो भी है। और इसी एज के दौरान एक नॉर्मल जो एक लाइफस्टाइल होता है, उसमें एक चाह होती है कि भाई अब अपना लाइफ पार्टनर भी चुने, एक स्टेबिलिटी हो जाए एक, और वो भी एक लॉन्ग टर्म के लिए। करेक्ट। तो अब इसमें क्या होता है कि हम जब एक लाइफ पार्टनर की बात करते हैं या पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो हम एक पूरकता कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं, आपका जो पूरकता जिसे कहते हैं कि आपका जो पार्टनर हो वो आपको कॉम्प्लीमेंट करे। बिल्कुल, कि भाई जो आपकी कमी है वो पूरी कर दे, जो आप में है उसका होना तो उस एनर्जी को बढ़ा देगा। जबकि हमारे इस कॉन्सेप्ट में ये एक लॉजिक है कि जो आप में कमी है वो आपका पार्टनर पूरी करे, और किसी तरह भी वो पर्सनालिटी या वो विचार या वो सोच एक कॉन्ट्राडिक्टरी सोच ना हो, एक सपोर्टिव सोच हो। तो इसमें भी बहुत हेल्प करता है प्रेडिक्ट2प्लान कि इट मेक्स यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर, व्हाट यू लैक, एंड बाय वॉट पर्सनैलिटी यू विल बी अ कम्प्लीट ह्यूमन। तो उसके लिए भी प्रेडिक्ट2प्लान है, कंपैटिबिलिटी जिसे कहते हैं, कंपैटिबिलिटी में भी बहुत हेल्प करता है। सो डू यू मीन कुंडली मिलान या ग्रह मिलान? सर कुंडली मिलान, ग्रह मिलान, अगेन इट इज़ अ टाइम पास कॉन्सेप्ट। और आजकल तो आजकल क्या बहुत टाइम से सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, वो एक स्कोर कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बेसिस पे कंपैटिबिलिटी हो जाती है। बट दैट इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया प्रेडिक्ट2प्लान में जो बेसिस है वो सिर्फ एक पर्सनालिटी कंपैटिबिलिटी का बेसिस है। अच्छा। और जो वो जो स्कोर कैलकुलेटर है या कुंडली मिलाना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई आप इससे शादी करोगे तो किस्मत बदल जाएगी या वैसे, विच इज़ नॉट लॉजिकल, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर दो पर्सनालिटी कंपैटिबल हैं, आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग विच अ पर्सन शुड लुक फॉर। पर आई थिंक ये कुंडली मिलान और ये बहुत ही प्रचलित कॉन्सेप्ट है। अब शादियों से पहले बहुत देखा गया है कि इवन मंगलिक और तरह तरह के इश्यूज से कुछ शादियाँ नहीं हो पाती। नहीं सर, ये मांगलिक और हज़ारों दोष जो है ना, ये वही जैसे मैंने बोला ये डर का बिजनेस है। तो एक बार डरा दो एंड देन यू अर्न आउट ऑफ इट। और फिर एक इलॉजिकल सी बात हो जाती है। जबकि आप खुद सोचिए कि दो पर्सनालिटीज़ अगर कंपैटिबल हैं तो हैं, क्योंकि फितरत नहीं बदलती इंसान की. So I think only personality analysis should be the personality compatibility should be the basis for happy married life. अच्छा interesting. भाई आपके फंडे तो ऐसे हैं कि सुन के अजीब लगता है, लेकिन हाँ मानना पड़ेगा लॉजिकल बहुत है. खैर आगे बढ़े और जाने के जो हमारा एज ग्रुप है जिसे हम कहते हैं ओल्ड एज, बुढ़ापा. उस पर Predict2Plan कैसे हेल्प कर सकता है, या नहीं कर सकता, बताइए. बिल्कुल सर देखिए, एक अब आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि आप मेरे से बड़े हैं. नॉर्मली क्या होता है 50 ऑनवर्ड्स 45 50 ऑनवर्ड्स एक सोच आ जाती है कि भाई थोड़ा सा लाइफ में सिक्योरिटी हो, मनी की भी, हेल्थ की भी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है. तो इस एज ग्रुप में आई थिंक एक हर किसी को एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती है, क्योंकि सही, बिल्कुल सही. हाँ, क्योंकि आधी से ज़्यादा लाइफ निकल गई होती है और आप इस एज में आप प्रिपेयर नहीं होते कि मैं कोई और लॉस झेल लूँ या कुछ ऐसा कुछ ऐसा कोई एक्सीडेंट झेल लूँ जिससे मेरे और जो बची हुई लाइफ है वो परेशान रहे. वेरी ट्रू. तो जो Predict2Plan का जो हम फ्यूचर मैप एक बनाते हैं कि विच इज़ क्वाइट एक्यूरेट, जैसे मैंने बोला 80-85% तक एक्यूरेसी है उसमें. तो उसमें एक अगर इंसान अवेयर हो कि यार मेरा ये टाइम है और उस टाइम के मुताबिक मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स करूं, मैं अपने फाइनेंस मैनेज करूं, या मैं हेल्थ, क्योंकि हेल्थ भी एक कॉमन इशू बन जाता है इसमें, बीमारी लगनी शुरू हो जाती है, दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो ये सब. तो Predict2Plan में बहुत अच्छे तरीके से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम कब आ सकती है, कैसे आ सकती है, और उसकी जो इलाज है, जो रेमेडी है, वो एलोपैथी से होगी, आयुर्वेदिक से होगी, होम्योपैथिक से होगी, ये भी हम उनको एज एन एडवाइस दे सकते हैं. I see.